खेतों में गेहूं कटाई का काम चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ बेमौसमी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी के चलते मंडियों के मौजूदा हालात प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पानीपत की अनाज मंडी में खुले में पड़ा गेहूं बारिश में भीग रहा है। सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं को रखने की पर्याप्त व्यवस्था मंडी में नजर नहीं आ रही है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि मंडी में सभी व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन आढ़ती कह रहे हैं कि खरीदी गई गेहूं की लिफ्टिंग नहीं हो रही है, इसीलिए मंडी में जगह ही नहीं है। बता दें कि मौसम विभाग ने मौसम को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी कि आज बरसात हो सकती है और वैसा ही हुआ। दोपहर को अचानक आंधी के साथ बादल आए और बारिश की शुरुआत हो गई। ऐसे में यह बारिश किसानों के लिए खासी दिक्कत लेकर आई है। बरसात की वजह से खेतों में किसानों की गेहूं की फसल की कटाई का काम रुक गया है और जिस तरह से बरसात के हालात हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले दो दिन गेहूं की कटाई का काम नहीं होगा। वहीं किसानों का कहना है कि बरसात की वजह से दो दिन बाद जो कटाई होगी तो गेहूं के साथ मिट्टी भी आएगी, जिससे उन्हें फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उधर मंडी के आढ़ती सरकार की व्यवस्था को फेल बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मार्केट कमेटी ने उन्हें गेहूं को ढकने के लिए तिरपाल नहीं दिए हैं और वे प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खुले में पड़ी गेहूं को ढका जा सके, लेकिन जिस तरह के हालात मंडी में नजर आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि सरकार की व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। बिके हुए माल के लिए पर्याप्त शेड ही नहीं है और ऐसे ही खुले में सारा गेहूं पड़ा हुआ है। ये तो सारी लिफ्टिंग की वजह से है जी, लिफ्टिंग नहीं हो रही इस मंडी में बिल्कुल, जिसकी वजह से माड़ा सारा बिक गया है। हाँ, लिफ्टिंग की वजह से माड़ बिक गया है जी। हमारे पास ना कोई लेबर की कमी है ना कुछ है, खाली लिफ्टिंग की, व्हीकल नहीं आ रहे जी बिल्कुल भी। जो ये माल भीगा है ये किस क्या नुकसान लगाओगे इसमें? किसान का नुकसान है, सरकार का नुकसान, आढ़ती का नुकसान है? इसमें किसान तो अपना तोड़ कर चला गया, इसमें तो जो नुकसान है आढ़ती का है, उसने चट्टे लगवाने हैं, ये बिक जाएगा फिर इसकी डांग लगवाएगा, फिर इसको सुखाएगा, फिर दोबारा पैकिंग करेगा, ये तो सारा आढ़ती का लॉस है। सरकार की ओर से कोई ऐसी कहती थी कि सरकार टाइम से उठा लिया जाएगा? सरकार तो कहती थी भी टाइम से उठाएंगे, लेकिन टाइम कहाँ है? ये जो ये अभी मैं चट्टे लगवा रहा हूँ ना, ये 10 तारीख का परचेज हुआ है हमारा है, 10 तारीख का, 16 तारीख होगी, आज तक तो उठाया नहीं है। ऐसे में तो फिर 48 घंटे में किसान के खाते में पेमेंट भी नहीं जाएगी? ओ भाव जी, 48 घंटे क्या करो, मेरी खुद की पेमेंट है 5 तारीख की और आज 16 तारीख होगी है, वहाँ मेरे 4-5 लाख रुपए की पेमेंट है। मैं 6 बार तो मार्केट कमेटी में और ये वेयर हाउस में जा लिया जी, मेरी पेमेंट नहीं हुई। भाई ये तो सरकार करेगी, ये तो सरकार करेगी, 5 तारीख की पेमेंट 16 तारीख तक आ नहीं ली है। मंडी में लाइट की व्यवस्था, बरसात चली लाइट की व्यवस्था भी नहीं, अधिकारी कहते थे हमने पूरी व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था तो है जी, लाइट को नहीं कहेंगे, लाइट ठीक है, लाइट वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लाइट तो चलो ये कहीं फॉल्ट हो जाए, जैसे बारिश आ गई, आंधी आ गई, इसमें भाग जाती है, वैसे लाइट की व्यवस्था ठीक है, लाइट पानी को नहीं हम कहेंगे भाई नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ट्रांसपोर्ट की है जी, व्हीकल नहीं है, उठान नहीं हो रहा है और नंबर तो बारदाना नहीं आ रहा है। अब ये देखो किसान की ढेरिया पड़ी है, आज एफ ने परचेज करी है, बारदाना नहीं दिया, कह रहे हैं भाई नहीं आया, कल को आएगा, कल को देंगे, ये कौन सा कानून हो? अभी आज माल खरीद दिया, बारदाना अगले दिन देंगे, किसान का सारा माल भी गिरा, फिर पत्थर पाल रखा है। मौसम तो खराब हो गया, लेकिन सरकार की जो नीति है उनके कारण समस्या आ रही है, ये काम हो 2 महीने का काम 15 दिन में ऐसे निपटता, बहुत ही जल्दी काम निपटेगा मैनुअली, और सरकार चाहे सारा काम सिस्टम से ऑनलाइन हो, लेकिन ये संभव नहीं है। कितनी फसल आज, कितने गेहूं आज यहाँ पर बिक गए हैं देखिए बारिश से कम? लगभग 4-5 लाख कट्टा बिक गया, और जिसका जिम्मेवार बताओ जिसका कौन होगा जी? मार्केट कमेटी का अधिकारी कोई आया नहीं इनको देखने के लिए, डकवाने आए थे, लेकिन वो भी क्या कर लेंगे बेचारे, इतना संसाधन तो किसी के पास है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक के तरीका है, गाड़ी आए जैसे गेहूँ आए परे उनको उठाओ जल्दी जल्दी, फिर अंदर आया सिस्टम जैसे भी होगा, लेकिन ऐसे सिस्टम से उठाने नहीं दे रहे, इसकी वजह से आज गेहूँ बिक रहे आप लोगों को? ये ऑनलाइन सिस्टम की वजह से दिक्कत आ रही है, जब तक हमारे अपडेट नहीं होंगे, जनरेट नहीं होंगे ये पर्चे, जब तक हम उठा नहीं सकते, ऊपर से क्लिक होगा कंप्यूटर में ऑर्डर हो जब उठा है, नहीं तो पटारो बचाओ भी गो था कुछ खराब हो, कोई दिक्कत नहीं। नुकसान हुआ होगा आपका भी काफ़ी? हाँ सब भी हो रहा है नुकसान, देख तो लो आप, वो गाड़ी लोड करवा लग रहे थे वो रोकनी पड़ी, तो फिर मौसम खराब की वजह से वो लोड नहीं पाओगे। ऐसे में जो किसान भी आपके पास फसल लेके आता है उसके किसान अपना किसान फसल भीग दी होगी, इसी करके तो कह इसको भी गिरने मत दो, परेशानी नहीं आएगी काफी, गाड़ी का दिक्कत हो रहा है जी, बंदे के ये बारिश में रोड़ा बोड़ी कितना दिक्कत हो रहा है। तो पूरी मंडी में ही मतलब ऐसे खुले में ही पड़ा सारा माल, सारा माल तो
खुला पड़ा है, गाड़ी मिल रहा है नहीं, तो गाड़ियां नहीं आ रही है समय पे, गाड़ी आ रही है समय पे, सारे बंदा दुखी हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।